2021 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम का चुनावी अभियान शुरू करने से कुछ घंटे पहले अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। हसन ने प्रधानमंत्री पर नए संसद भवन के शिलान्यास को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब देश मुश्किल से गुजर रहा है तो ऐसे समय में इतनी बड़ी वित्तीय इच्छा पूर्ति की क्या जरूरत थी। दिग्गज अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक ने रविवार को पूछा कि ऐसे समय में जब देश गंभीर उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है तो इस तरह के बड़े पैमाने पर वित्तीय भोग का क्या मतलब। हसन ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस के कारण जब देश की आधी आबादी भूखी है, लोग आजीविका खो रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए की नई संसद क्यों? जब चीन का महान दीवार का निर्माण किया जा रहा था तो हजारों लोगों की मौत हुई थी, उस समय शासकों ने कहा कि ये लोगों की रक्षा के लिए है। किसकी रक्षा के लिए आप 1,000 करोड़ रुपए का संसद का निर्माण कर रहे हैं? मेरे माननीय निर्वाचित प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। संसद का ये नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण या फिर पुनरुद्धार किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही ये 4 मंजिला इमारत बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा। संभावना है इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा कर लिया जाएगा।